आप देख रहे हो हॉट न्यूज इंडिया, मैं मनराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं हूँ कनिका। और एक बार लेके फिर हाजिर है हम आज के दिन की टॉप 5 खबरें। स्वास्थ्य विभाग ने इस ढाबों और दुकानों पर मारा छापा, लिए सैंपल। आपको बता दें कि पंजाब के जलंधर हेल्थ विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां विभाग की टीम ने लामड़ा में घई बेकरी और बूटा मंडी की भूपेंद्र डेयरी के सैंपल लिए। मिली जानकारी के अनुसार ये टीम होशियारपुर से आई थी। होशियारपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी लखबीर की मौजूदगी में इस टीम ने पटवारी ढाबे से खीर, लस्सी, देसी घी और पनीर के सैंपल लिए। इसके अलावा बूटा मंडी में स्थित भूपेंद्र डेयरी से पनीर, दही, देसी घी और मक्खन के भी सैंपल लिए गए। आगरा से बड़ी खबर, आगरा में एक हिंदू महिला से रिश्ते को लेकर एक मुस्लिम के घर को लगाई आग। आपको बता दें कि आगरा में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू महिला को अगवा करने के आरोपी एक मुस्लिम व्यक्ति के परिवार के दो मकानों में शुक्रवार को आग लगा दी। वैसे एक वीडियो क्लिप में संबंधित महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला धर्म जागरण समन्वय संघ नामक एक संगठन के सदस्यों ने किया है। जलंधर लुधियाना हाईवे पर लगा जाम, दूर दूर तक लगी वाहनों की कतारें। आपको बता दें कि जलंधर रामा मंडी से होते हुए लुधियाना की तरफ जाने वाले शहरवासी हाईवे पर ना जाए, क्योंकि रामा मंडी चौक में बहुत बड़ा जो है जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर दूर वाहन फंसे गए हैं। भीषण गर्मी में लोगों का जो है बुरा हाल है। खिचड़ी में अधिक नमक ने ले ली पत्नी की जान, पति ने अपनी पत्नी की हत्या, हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भेंदर बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खाने में अधिक नमक के कारण नाराज हुए पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार सुबह भेंदर पूर्व फाटक रोड के इलाके में एक व्यक्ति ने नाश्ते में बनाए गए खिचड़ी में अधिक नमक होने के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मीरा भेंदर वसई विरार में पुलिस की तरफ से बताया गया कि 40 वर्षीय नीलेश घाग नामक शख्स ने सुबह 9:30 बजे अपनी पत्नी की निर्ममता से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही भयंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के सरकारी बसों में यात्रा करने पर जो है 50% छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए HRTC बसों में यात्रा करने पर 50% छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 1 जुलाई से 125 यूनिट तक के बिजली उपभोक्ता को 0 बिल मिलेगा। कल चंबा में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से कोई जल शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये थी आज की टॉप 5 खबरें। यूं ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए हॉट न्यूज इंडिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही में अपने कीमती सुझाव भी हमें जरूर भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको हर एक अपडेट मिले तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हॉट न्यूज इंडिया की हर खबर है हॉट। इसके साथ ही लेते हैं हम इजाजत, जल्दी रूबरू होंगे। तब तक क्लिक के लिए आप बने रहे हॉट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।